असलम जूनियर्स हाई यू ऑल आम योर साइंस चीज यो एज यू नो मी वेरी वेल एंड ए वेलकम यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एफ ई आई सो मोइंग टू द नेक्स टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज लेबोटरी थर्मोमीटर फ्राम द चैप्टर हीट स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के बारे में आपको याद होगा जब जिसमें मैंने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ाया था याद है ना और वो किसके यूज होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है ठीक है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में ठीक है अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है स्टूडेंट्स आपको पता है ये लेबोरेटरीज में यूज होता है ठीक है ना यूज लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स ये लेबोरेटरीज में यूज होता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का लाइक like, सॉल्यूशंस होते हैं वगैरह ठीक है द रेंज इज़ जनरली फ्राम माइनस टेन डिग्री टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्शियस इसकी रेंज होती है ना माइनस टेन से लेकर वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्शियस तक होती है इसकी रेंज क्यों इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपको याद होगा क्लिनिकल की कितनी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की कितनी रेंज होती है थर्टी फाइव डिग्री सेल्शियस से फोटी टू डिग्री सेल्शियस तक इसकी रेंज इसलिए इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि स्टूडेंट्स थर्मो जो लेबोटरी है उसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं बहुत सारा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं बहुत सारी चीज़ों का टेम्परेचर रीड करना होता है होता है इसलिए इसकी रेंज इतनी ज्यादा होती है ठीक है द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल थर्मोमीटर इज इन विद हुज इज कॉन्टेक्ट रीड देखिए क्या होता है आपको यह याद रखना है जब आप लेबोरेटरी में क्या करेंगे जब हम लेबोरेटरी में किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर चेक करेंगे टेम्परेचर चेक करेंगे लेकिन आपको यह याद रखना है वो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिस सबस्टेंस का हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं वो उसी के कॉन्टेक्ट में रहें वो उससे दूर ना किया जाए ठीक है ना जब हम लेबोरेटरी में किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर रीड कर रहे होंगे जब हमें किसी टेम्परेचर सबस्टेंस के टेम्परेचर का टेम्परेचर रीड करना होगा हमें यह याद रखना है डेट वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है जिससे हम चेक कर रहे हैं वो उस सबस्टेंस से दूर ना हो जिसका हमें चेक करना है ठीक है ना ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है ना जब हम वो मुंह में भरते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जुबान के नीचे रख देते हैं तो हम फिर वो बाहर निकाल देते हैं ना तो क्या होता है वो जब वो बाहर निकालते हैं तो हम फिर उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं अपनी बॉडी का ये इसलिए क्योंकि उसमें किंक प्रेजेंट होता है उसमें बेंड होता है इधर पे है कि नहीं उसमें इधर पे बेंड होता है ना प्रेजेंट उसकी वजह से मर्क्यूरी जो है वो वापस फ्लो नहीं होता है बल्ब में और हमें टेम्परेचर अपना एक्यूरेट बॉडी का मिल जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है इसमें किंक बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है ठीक है ना तो इसलिए यही वजह है हमें थर्मोमीटर क्या है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उस सबस्टेंस के बिल्कुल से कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए ताकि जो मर्क्यूरी है वो वापस फ्लो ना हो जाए बल्ब में और क्या होगा और इससे हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल जाएगी क्योंकि अगर हमने उस सबस्टेंस से दूर कर दिया इस थर्मोमीटर को जिसमें कि किंग प्रेजेंट नहीं है तो अगर हमने दूर कर दिया तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी ठीक है और मर्क्यूरी जो है वापस फ्लो करेगा बल्ब में समझ में आया गुड तो स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्सरी थर्मोमीटर था अब हमें ये देखना है जब लेबोरटरी थर्मोमीटर है जब हमें लेबोटरी में किसी भी सोल्यूशन का कोई भी सोल्यूशन हो उसका हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा रीड करना होगा हम वो कैसे करेंगे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको टेक सम हॉट वाटर डिप द थर्मोमीटर इन वाटर कीप इन माइंड बल्ब इमर्स इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ कंटेनर होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली ऑब्जर्व द मोवमेंट ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी नाउ टेक रीडिंग हमें क्या करना है हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है ठीक है ना हमें थोड़ा सा गर्म पानी लेना है बीकर में हमने जब बीकर में गर्म पानी रखा उसके बाद हमें क्या करना है यही लेबोटरी थर्मोमीटर जो है ना उसमें डिप करना है ठीक ना उसमें डुबोना है लेकिन आपको यह याद रखना है दैट जब हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसमें डिप किया इसका जो बल्ब है ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जो बल्ब है ये बॉटम बीकर के बॉटम को टच ना करे ना ही इसके साइड्स को टच करे ना ही बीकर के बॉटम को ना ही इस कंटेनर के बॉटम को ना ही इसके साइड्स को टच करे ठीक है समझ में आए ये आपको बिल्कुल से ये जो थर्मो ये जो थर्मोमीटर है ये पानी को टच करना चाहिए ना कि इसके बॉटम को ना ही इसके साइड्स को ठीक है अब हमें क्या करना है जब हमने इसमें डिप किया अब हमें इसको होल्ड करना है बिल्कुल स्ट्रेट होल्ड करना है ऐसे बिल्कुल ठीक है ना स्ट्रेट होल्ड करना है और हमें इसको ऑब्जर्व करना है इस थर्मोमीटर को जब तक ये मार्की की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी फिर जब इसका ये जब स्टॉप हो जाएगी कहीं पर जितना इसका टेम्परेचर होगा फिर हम इसको आराम से रीड कर सकते हैं ठीक है तो ये था और आपको ये याद रखना है ये याद रखना है आपको आपको जो थर्मामीटर है जब आप जब आपको किसी सबोस्टेंस का टेम्परेचर में, मेजर करना है वो उसी के कांटेक्ट में रहे उससे दूर ना हो जाए क्योंकि इसमें मर्क्यूरी सॉरी इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता ठीक है समझ में आया ऐसे हम रीड करते हैं लेबोरेटरी में किसी सोल्यूशन को ठीक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से तो ये था लेबोरेटरी थर्मोमीटर आज का टॉपिक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं अल्लाह हाफिज़